वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल होप यू ऑल आर फाइन तो इस वीडियो में हम बात करते हैं सिलेबस के रिगार्डिंग जो कि जे के पी एस सी ने रिसेंटली रिक्रूटमेंट निकाली है असिस्टेंट डायरेक्टर फर्स्ट यानी कि जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है तो यहाँ पर हम देखेंगे जो मोड ऑफ एग्ज़ाम है ना मोड ऑफ एग्ज़ाम मोड ऑफ एग्जाम में आपको चार स्टेप्स मिलेंगे पहला आपको रिटन टेस्ट है रिटर्न में आपको मैं बोलूँगा इसमें कोई ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं आएगा आ, इसके बाद आपका इंटरव्यू भी है फिर इसके बाद आपका वॉक टेस्ट भी है फिर है मेडिकल टेस्ट इट मीनज यानी कि इसमें चार स्टेप्स है तो दो स्टेप्स आप इसमें जब ही जू ही क्रॉस करोगे तो ये दो इजी है इसमें अब हम आ, आगे देखेंगे अच्छे से क्या है इस एग्ज़ाम में तो यहाँ पे हम पैटर्न देखेंगे Uh, जो कि ये रिटन टेस्ट है ना रिटन टेस्ट उसमें आपको 500 मार्क्स है रिटन <coughs> टेस्ट में यहाँ पे लिखा है ये जो रिटन टेस्ट है ना ये ऐसे टाइप होगा यानी कि इसमें आपको सब्जेक्टिव लिखना है यानी कि ऑब्जेक्टिव नहीं है आपको इसमें आएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे जो कि इंग्लिश का सेक्शन है ना इसका सिलेबस भी दिया है इंग्लिश में आपको हंड्रेड मार्क्स मिलेंगे और टाइम मिलेगा टू आवर्स का और क्वालिफ़ाई करने के लिए आपको फोर्टी परसेंट लाने हैं इट मीनज़ हंड्रेड में से पहले आपको फोर्टी मार्क्स जो ही आएंगे फिर आपका पेपर चेक हो जाएगा यानी कि वो काउंट हो जाएगा अगर फोर्टी से कम आ रहे हैं ना तो आप लिस्ट से बाहर हो पहले ही फिर वो आगे नहीं देखा जाएगा तो आ, इसके बाद आपका जारा स्टडीज़ है उसमें आपको दो सौ मार्क्स है तीन आवर्स का पेपर है ये इसमें भी फोर्टी परसेंट का क्वालिफाई है तो दो सौ का फोर्टी फोर्टी परसेंट होता है एटी मार्क्स ऐसे ही आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट एक चुन लेना है जो यहाँ पे दिए गए हैं आप देख सकते हो इसमें भी आपको कितने मार्क्स है टू हंड्रेड का ये है और इसमें आपको तीन आवर्स का टाइम मिलेगा और ये है फोर्टी परसेंट इसमें भी क्वालिफाई करना है तो अगर हम देखेंगे ना सिलेबस और फिर आपको इसके बाद ये इसमें पाँच सौ मार्क्स आते हैं और वाइवा में सौ मार्क्स आते हैं यहाँ पे लिखा है पाँच सौ प्लस सौ टोटल मार्क्स आपको सिक्स हंड्रेड में से है यानी कि छः सौ में है तो अगर आप अब सिलेबस देखोगे ना जो इंग्लिश का सिलेबस है ना यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है द पेपर शैल बी ऑफ टेन प्लस टू स्टैंडर्ड एंड शैल कंसिस्ट ऑफ एसेट राइटिंग होगी पैराग्राफ राइटिंग होगी कॉम्प्रेशन होगी प्रिसाइज राइटिंग होगी वोकेबलरी होगी ये सिलेबस होगा इसमें ये इंग्लिश में आपको पूछा जाएगा इसके बाद जनरल <coughs> स्टडीज़ में आपको पेपर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना वो रिगार्डिंग इंडियन हिस्ट्री पे आ जाएगा uh, या आ जाएगा इंडियन नेशनल मोमेंट पे इंडियन कल्चर पे इंडियन पोल्ट्री पे इंडियन इकनॉमी पे प्लानिंग इन इंडिया पे सोशल डेवलपमेंट पे वर्ल्ड जोग्राफिया पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या, क्या क्या ये पूछ सकते हैं तो यहाँ पे वेटेज भी दी गई है इसमें जनरल स्टडीज़ में इंडियन हिस्ट्री इंडियन नेशनल मोमेंट इंडियन कल्चर इसमें आपको ट्वेंटी फाइव मार्क्स आएंगे पच्चीस मार्क्स आएंगे इसमें ऐसे ही इंडियन इंडियन पोल्टी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ट्वेंटी फाइव मार्क्स आपको आएंगे इंडियन इकनॉमी में आपको ट्वेंटी फ़ाइव आ जाएंगे वर्ल्ड जियोग्राफी और जियोग्राफी ऑफ इंडिया पे ट्वेंटी फ़ाइव जनरल साइंस पे आपको पूछेंगे ट्वेंटी फ़ाइव ऐसे ये करंट इवेंट्स पे आपको क्वेश्चन पूछेंगे वो है ट्वेंटी फाइव ये सारे सब्जेक्ट सब्जेक्टिव होंगे आप देख लेना इसके बाद आपको ऑप्शनल जो है ना ऑप्शनल एक पेपर चुन लेना है और उसका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि पहला सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर आप देख सकते हो इसके दो ये पेपर्स है पेपर वन और या पार्ट वन और पार्ट टू ऐसे ही है इसके बाद आप देख सकते हो बॉटनी भी है यहाँ पे ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल द जहलम एकेडमी पे मिलेगी आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेना और देख लेना या आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जेके की वहाँ पे भी ये मिलेगी आप देख लेना ये ये था सिलेबस रिगार्डिंग असिस्टेंट डायरेक्टर जो कि जे के पी एस सी ने रिसेंटली इसकी रिक्रूटमेंट निकाली है तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारा सिलेबस किस किस का है तो ये था रिगार्डिंग आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू ऑल